तो हमारी आज की रेसिपी है बहुत ही क्रंची, मीठी और बस 10 से 12 मिनट में बनने वाली, और बनती है सिर्फ 4 चीज़ों से। आज बना रहे हैं क्रंची स्वीट ब्रेड, और ये बनाना इतना आसान है कि आपका जब मन चाहे आप बस उसी वक्त बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ ब्रेड होनी चाहिए। सुनना चाहेंगे कितनी क्रंची है, ये देखिए। ये है तो स्वीट डिश, लेकिन हमने इसमें शुगर बिल्कुल नहीं डाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अब सबसे पहले उठाइए एक बेकिंग ट्रे, क्योंकि हम इन्हें ओवन में डालने वाले हैं, और उस पर रख दीजिए बटर पेपर। ये तैयारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे और इस पर रखते जाएंगे। तो स्वीट ब्रेड बना रहे हैं तो सबसे पहले चाहिए उसके लिए ब्रेड। ये लिए हमने कुछ 4 स्लाइसेस ब्रेड के, जिन्हें हम काट दे रहे हैं। आप जो शेप चाहें इसे दे सकते हैं, आप स्क्वायर्स भी काट सकते हैं। बस इसे काट के रख दीजिए अलग से, और उठाइए एक कढ़ाई। तो कढ़ाई आपकी ऐसी ब्रॉड होनी चाहिए, या तो आप इसे तवे पर भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो कढ़ाई को हमने रख दिया है हीटर पे और धीमी आंच पर। इसमें डाल दिया है बटर। और जैसे बटर मेल्ट हो जाता है, इसमें डाल रहे हैं सफेद तिल, और बस कुछ ही सेकंड में इमिजिएटली डाल दे रहे हैं हम इसमें हनी। ये काफ़ी डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी क्वांटिटी काफ़ी चाहिए। करीबन 4 टेबलस्पून डाल रहे हैं इस वक्त। तो ये गई इसमें पूरी की पूरी हनी। अब इसे गर्म होने देंगे, इसे बॉईल होने देंगे। जैसे इसमें आ जाता है एक उबाल, आप इसमें डालते जाइए अपनी ब्रेड, और उसे पूरी तरफ से कवर करते जाइए इस हनी के साथ। और ये बहुत ही फास्ट करते जाना पड़ेगा। आप चाहें तो इसमें आप एक साथ जितनी ब्रेड डाल सकते हैं डाल दीजिए, और उसमें निकालते जाइए। और जैसे ही आप ब्रेड को निकाल दें, तो उसे एक बटर पेपर पे रख दीजिएगा। अगर आपने ऐसे नहीं किया ना, तो वो आपकी प्लेट पर स्टिक हो जाएगी। बस इसी तरह बना देने हैं बाकी के सब ब्रेड पीसेस। वैसे अगर आप चाहें तो आप इस हनी में थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डाल सकते हैं, या तो थोड़ी सी सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आप अलग अलग फ्लेवर्स चाहते हैं तो। ये हमने 2 मिनट में बनाए हैं कुछ 12 ब्रेड स्टिक्स, और इसके लिए हमें हनी लगी है करीबन 4 टेबलस्पून की। और अब इन ब्रेड स्टिक्स को बेक करना है ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीबन 8 से 10 मिनट तक, क्योंकि सब ओवन्स की वर्किंग ज़रा अलग होती है, तो इसलिए देख लीजिएगा। जैसे आपके ब्रेड स्टिक्स गोल्डन ब्राउन होने शुरू होते हैं, तो मतलब ये बन गए हैं। आप यही कढ़ाई में भी कर सकते हैं, अगर आप ओवन में नहीं करना चाहते हैं तो। तो हमारे क्रंची ब्रेड स्टिक्स हो चुके हैं रेडी, और हम करने वाले हैं इन्हें एंजॉय। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? उम्मीद करते हैं आपके आपको ये बहुत पसंद आई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपके ब्रेड स्टिक्स कैसे बने। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।